हम लोगों ने आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की व्हाट प्रॉब्लम बेटा स्टार्ट करनी है। पेज नंबर 12 इन असाइनमेंट, असाइनमेंट में पेज नंबर 12, असाइनमेंट में पेज नंबर 12। सर वी विल डू एज, हाँ एज वाली कर रहे हैं बेटा, प्रॉब्लम रिलेटेड टू एज वाले क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, Ashu is x years old while his mother is x square. His mother Veena is x square. Assignment निकालो यस। तो आपके पास given है कि Veena की age x square है और Ashu की age x है। दोनों की हम लोगों को present age given है। इसके आगे बाद आपको बोल रहा है 5 years hence. सेंटेंस आगे रीड करिए, बोल रहा है 5 years hence. 5 years hence का मतलब होगा 5 साल बाद। आपने पूरी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको टाइम लगेगा, समझ नहीं आएगा। 5 years hence टाइम पास क्या हुआ पीछे, आशु की एज कितनी हो जाएगी 5 साल बाद x plus 5 और वीना की एज कितनी हो जाएगी x square plus 5 हो जाएगी। पहले आपको एजेस निकालनी है, आगे लिखो रीड करो। कह रहा है वीना विल बी 3 times, तो 5 साल के बाद पहले दोनों की एजेस निकाल लो। बोल रहा है वीना विल बी 3 times, वीना की एज कितनी है x स्क्वायर प्लस 5, कितना हो जाएगा 3 times, किसकी एज आशु के, तो x स्क्वायर प्लस 5 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 3x प्लस 15 के। लेफ्ट पे लाओ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो आपकी अपनी चॉइस, इसके बाद खुद सॉल्व करेंगे। आज हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सब में मैं सिर्फ इक्वेशंस बना दूंगा, इक्वेशन के एंड पे मिडिल टर्म स्प्लिट या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यूज आपको खुद करना है। बोलेंगे सर यश ग्रेट, अगर हो गया तो चैट बॉक्स पे डन। गुरदित रोने ऋषि क्लियर है चैट बॉक्स पे डन। मनीत अभिमन्यु यूज योर चैट बॉक्स आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 45 years, मैन एंड सन इज 45। हम लोग लेट कर लेंगे, लेट मैन प्रेजेंट एज भी x year, मैन की जो प्रेजेंट एज है वो हमारी कितनी है x year है, तो सन्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी बेटा। अगर पापा और बेटे दोनों के सन एज कितनी 45 है, तो इसके साथ अगर फादर की एज अगर x है तो सन की एज कितनी हो जाएगी, वेरी गुड, हो सकते हैं कितनी हो जाएगी 45 माइनस x क्लियर है ना। अगर आपकी और आपके फादर की एज अगर 45 है, फादर की एज एक्स है, तो आपकी एज कितनी हो जाएगी 45 माइनस एक्स हो जाएगी। हो सकता है कितने बच्चों को दिक्कत हो इसको करने में, तो आप क्या करोगे इसको वायलेट कर लोगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर लोगे। आपको कहना है दोनों का सम कितना 45, तो आप क्या करोगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 45 लिख लोगे, फिर वहां से वाई की वैल्यू निकाल लेना, तो सेम आ जाएगी 45 माइनस एक्स। क्लियरली डिपेंड ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, जिसको जैसे सही लगे वो उसके हिसाब से कर लेना। आगे बोल रहा आपको 5 years ago, 5 years ago का मतलब 5 साल पहले, तो पहले एज निकालो और फिर कंडीशन रीड करेंगे। अभी इशरत मैन की कितनी है एक्स, तो 5 साल बाद 5 साल पहले कितनी होगी एक्स माइनस 5, वेरी गुड। और सन की एज कितनी हो जाएगी बेटा y माइनस 5, और y की वैल्यू कितनी है 45 माइनस x माइनस 5, तो कितना आ जाएगा ये 40 माइनस x। क्लियर, क्लियर है यश गुनीत, आगे रीड करो क्या बोल रहा है। 5 years ago, 5 साल पहले प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किसका ऑफ देयर एजेस वाज 4 times द मैन एज एट दैट टाइम। 5 साल पहले दोनों की एज निकल गई,
दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है दोनों को मल्टीप्लाई करो, किसके इक्वल है, फोर टाइम्स द एज एट दैट टाइम, मतलब 5 साल पहले। तो 5 साल पहले कितनी एज हुई मैन की, एक्स माइनस। इज दिस स्टेप क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ द एज 5 साल पहले किसके इक्वल है, फोर टाइम्स, किसके, जो एज जो 5 साल पहले थी मैन की, वो एक्स माइनस फाइव। देखो दोनों तरफ सेम आ गया, कट ही जाएगा, और आपके पास क्या बच गया, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। तो मैन की एज हो जाएगी 36 और सन की हो जाएगी आपकी कितनी, 9 आ जाएगी। लास्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है 5 years ago, पहले एज निकाल ली, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दिया दोनों की एज को, एक्स माइनस फाइव और 40 माइनस एक्स को, क्लियर है मैनेजर, इसके इक्वल है 4 टाइम्स द एज ऑफ द मैन, मैन का एक्स माइनस फाइव एट दैट टाइम। सर क्वेश्चन में एट दैट टाइम होना चाहिए था ना, एट दैट टाइम तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये लिखा हुआ है, ध्यान से रीड करो, आपके पास बोल रहा है वाज 4 टाइम्स द मैन्स एज एट द टाइम, अच्छा हाँ एट दैट टाइम होगा, उसको द से ठीक कर दो, एट दैट टाइम होगा, द नहीं होगा, दैट होगा, एट दैट टाइम, राइटिंग एरर, टाइपोग्राफिकल एरर, डन एवरीवन, स्पर्श, हर्ष, परी, पार्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ शिखाज एज 5 years अगो, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ शिखाज एज 5 years अगो एंड हर एज 8 years लेटर इज 30, 5 साल पहले और 8 साल के बाद दोनों की एज को मल्टीप्लाई करके कितना है, 80 है, तो क्या लेट करोगे, लेट शिखाज प्रेजेंट एज भी एक्स ईयर्स, कौन सी एज का प्रोडक्ट जो 5 साल पहले है और 8 साल बाद है, 5 साल पहले क्या होगी, एक्स माइनस फाइव, 8 साल बाद कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 8 हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, 30 के इक्वल, क्लियर है मैम, तरनप्रीत सिंह, यस सर, मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को दोनों से फिर 5 को दोनों से करोगे, माइनस 5x माइनस 40 इज इक्वल टू 30, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 70 इज इक्वल टू 0, मेरे टर्म स्प्लिट कर लोगे तो यहां से वैल्यू एक्स की 3 आ जाएगी, कैलकुलेटर का यूज मत करो, यस ठीक है, इसको सॉल्व करो, मेरे टर्म स्प्लिट कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7x माइनस 70 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 7 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस 10, अब एक्स की एज माइनस 10 नहीं हो सकती, क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 7 हो जाएगा, सर क्वेश्चन में आंसर गलत है, यस सर सही है, आंसर सही है, पिछला आंसर 7 ही है, दपनी क्लियर है बेटा, तो नाउ आई कैन अज्यूम कि बाकी के 2 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो भी खुद ही कर लोगे, 3 क्वेश्चन और बच गए, तो 4 बच गए हैं, ठीक है, तो काम करते हैं हम, फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ में क्या करा है, सेम हो जाएगा, खुद ही कर लेंगे, अब बात करते हैं फिफ्थ की, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20, ये सेम हो गया, जैसे पापा मैन और सन था, सेम क्वेश्चन हो गया ना वाला, सेवेंथ कर लेते हैं, सेवेंथ में कह रहे थे सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान से 3 साल पहले और 5 साल फ्रॉम नाउ इज 1/3, क्या कह रहे हैं, रहमान के 3 साल पहले और 5 साल के बाद जो है वो दोनों के रेसिप्रोकल ले लो, प्लस कर लो, तो आंसर कितना आ जाएगा,
वन बाय थ्री आ जाएगा। तो सेवेंथ क्वेश्चन में दिया लेट रेमान प्रेजेंट एज भी एक्स ईयर्स, क्या कह रहा है एज तीन साल पहले, तीन साल पहले एज कितनी हो जाएगी एक्स माइनस थ्री। हरगुण पांच साल बाद कितनी एज होगी एक्स प्लस फाइव, ये एज है क्या दोनों एज के रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कर लो कितना आंसर आ रहा है वन बाय थ्री। और समझ आ गया यस गुरलीन गर्व क्लियर है। अब सॉल्व करते हैं ये वाले क्वेश्चन को, एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव, फिर x प्लस फाइव प्लस x माइनस थ्री वन बाय थ्री, टू एक्स प्लस टू क्रॉस मल्टीप्लाई थ्री ऊपर ले जाओ इन दोनों का प्रोडक्ट ऊपर आएगा x स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन, सिक्स एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी वन इज इक्वल टू जीरो। मेरे टर्म्स फिट करो यहाँ से आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को, क्लियर सेवन आ गया आंसर, गुड। बोलेंगे इशरत फरगुन लवलीन वंशिका जश हो रहे हैं क्वेश्चन आप तीनों से, हरगुन सॉरी हरगुन कर दूंगी तब सीरत है नान्य आने के अंजिका ग्रेट बड़ा। तनीषा माइनस थ्री तो हम लेंगे नहीं बेटा क्योंकि एक नेगेटिव नहीं हो सकती, एक क्या लेंगे आप पॉजिटिव लेंगे तो सेवन आएगा आंसर राइट। अब इसके बाद हमने जो क्वेश्चन कर रहे हैं सारे ना डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चन है, आपने सिक्स सेवन स्टैंड में बेसिक फॉर्मूला पढ़े होंगे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा डिस्टेंस ऑफ वन टाइम, टाइम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ वन स्पीड, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा स्पीड इनटू टाइम होता है, तो बेसिक फॉर्मूला है। यहाँ पे हमारे जो यूज होंगे वो सारे के सारे ये वाला फॉर्मूला यूज होंगे कि टाइम का क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इज दिस क्लियर। अब इसको करने से पहले थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं बेसिक नॉलेज। सपोज एक वैल्यू है 1600 अपॉन एक्स और एक वैल्यू है 1600 अपॉन एक्स प्लस 200, तो कौन सी क्वांटिटी बड़ी है फर्स्ट या सेकंड, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं फर्स्ट या सेकंड, ओके देते हैं मैम फर्स्ट बड़ी है, फर्स्ट बड़ी है, एनीवन एल्स एनीवन एल्स सेकंड, ये बड़ी है क्वांटिटी, ये क्वांटिटी बड़ी है या सेकंड वाली क्वांटिटी बड़ी है, सब लोग रिप्लाई करो तेजल राइट जमीन राइट 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 राइट, कौन सी क्वांटिटी बड़ी है फर्स्ट वाली बड़ी है, क्यों बड़ी है ये क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, किसी भी क्वांटिटी का जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो वो पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी छोटी हो जाती है, तो इस केस में कौन सी क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी ये वाली हो जाएगी। कैसे होगी सर 1600 अपॉन मान लो 200 है x की वैल्यू 200 पुट कर दिया तो 200 प्लस 200 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करूंगा 8 आएगा या 4 आएगा, क्लियर है ना। तो कभी भी डिनोमिनेटर में जब प्लस हो रहा होगा तो वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी पूरी पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। ऐसे ही अगर यहाँ पे माइनस होगा तो कौन सी क्वांटिटी बड़ी है तब कर देगा सेकंड वाली क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, सेकंड क्वांटिटी बड़ी क्यों हो जाएगी क्योंकि अब आपके एक्स में से मैंने 200 को क्या करा है माइनस कर दिया है, और किसी भी अगर माइनस कर दूंगा मैं तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा वो क्वांटिटी नीचे छोटा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा तो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा बड़ा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को, अगर जा रही है तो जाने दो। अरे एक मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि अगर नीचे माइनस हो जाएगा तो ये क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी और ये प्लस होगा तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने सारे जो क्वेश्चन करने हैं एज वाले तो कंप्लीट हो गए हमारे, अब हमारे सारे डिस्टेंस टाइम वाले ट्रेन वाले एंड एरोप्लेन वाले उन सभी में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होगा।
पेज नंबर 11 असाइनमेंट में पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है पैसेंजर ट्रेन टेक्स 3 आवर्स लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 360 किलोमीटर इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द यूजुअल स्पीड। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोल रहा है पैसेंजर ट्रेन टेक्स 3 आवर्स लेस, पैसेंजर ट्रेन को 3 घंटे कम लगेंगे। कितना जर्नी है, डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर है। अगर उसकी स्पीड को हम क्या कर रहे हैं, 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए लेट द ओरिजिनल स्पीड या यूजुअल स्पीड वो आपकी कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। डिस्टेंस कितना हमारा, 360 किलोमीटर डिस्टेंस है हमारा 360, और टाइम कितना लगेगा, 360 अपॉन x आर दे रहे इशरत दिया। अगर ओरिजिनल स्पीड x है, डिस्टेंस 360 है, तो टाइम कितना लगेगा, 360 अपॉन में x। अब वो कह रहा है ट्रेन की स्पीड को बढ़ा दिया है, ट्रेन की स्पीड को अगर बढ़ा दूंगा तो उस केस में डिस्टेंस क्या चेंज होगा, नहीं, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, चेंज क्या हो जाएगी, स्पीड। पहले स्पीड कितनी थी x, अब 10 किलोमीटर बढ़ा दी है तो स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगी। तो अब टाइम क्या लगेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 360, स्पीड कितनी है x प्लस 10। यहां तक क्लियर है, ये ओरिजिनल टाइम, ये जब स्पीड बढ़ा दी तो फिर ये टाइम आ जाएगा। अगर स्पीड को बढ़ा देंगे नियम तो टाइम हमारा कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। प्रीत सिंह अगर मैंने स्कूटी ले है, टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन दोनों में से ये क्या बड़ा है और ये टाइम क्या है, कम है, और दोनों का डिफरेंस आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, 3 आवर्स। तो आपने यहाँ पे यही करना है, हर एक इंडिविजुअल केसेस में जितनी में हम डिस्टेंस के क्वेश्चन करेंगे, जितने भी डिस्टेंस के क्वेश्चन करेंगे हर किसी में टाइम निकालना है। आपको वहां पे कुछ ना कुछ डिफरेंस गिवन होगा कि 3 घंटे ज्यादा लगे, 3 घंटे कम लगे, 1 घंटा ज्यादा लगा। आपने हर एक केस में क्या करना है, पहले इंडिविजुअल टाइम निकाल लेने हैं, देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और दोनों को हमेशा माइनस कर देना, और जो वहां टाइम गिवन होगा वो राइट साइड पर डाल देना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लो, एलसीएम हो जाएगा x * x + 10। ये पहला क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूं, इसके बाद में जितने क्वेश्चन कराऊंगा सारे यहीं पे मैं ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि सब में कैलकुलेशन सेम वे में होगी। एलसीएम हो जाएगा x * x + 10, दिस इज 360 * x + 10 - 360 * x = 3। मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 360x + 3600 - 360x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3600 इज इक्वल टू 3 इनटू x स्क्वायर प्लस 10x अब आगे राइट साइड पे ब्रैकेट मल्टीप्लाई मत करो, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि लेफ्ट पे 3600 है, राइट पे 3 है, तो 3 से यहाँ डिवाइड कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। दिस गिव्स 1200 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 10x, राइट पे ले जाओ, x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 30 into 40, और साइन किसका बड़ा हो जाएगा, 40 का, 40 पे प्लस लगाएंगे और 30 भी आएगा माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 30, x इज इक्वल टू माइनस 40 एंड x इक्वल टू 30। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, रिजेक्टिंग नेगेटिव वाले, तो पहली क्या रही हमारी 30, ओरिजिनल स्पीड कितनी है 30, और की इंक्रीज स्पीड कितनी हुई 40 हुई। समझ आ गया, ये पक्का आ गया,
नोट करके डन इन द चैट बॉक्स. सारे जितने अब एयरप्लेन प्लेन सारे क्वेश्चन सेम इसी मैनर से हम लोग करेंगे. नोट करके डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री. सर मैंने अलग मेथड से सॉल्व करा, जिस भी मेथड से सॉल्व करो आंसर जो है वो एंड में सेम ही आएगा. रीड क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री में यहां पे आपके पास बोल रहा है अ फास्ट ट्रेन टेक्स वन आवर लेस देन दी स्लो ट्रेन. फास्ट ट्रेन को वन आवर क्या करेगा लेस लग रहा है. किससे लेस लग रहा है? स्लो ट्रेन से. टू ट्रेवल अ जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर. आगे आपको बोल रहे हैं इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेस देन द फास्ट ट्रेन. स्लो ट्रेन की जो स्पीड है वो फास्ट ट्रेन की स्पीड से 10 किलोमीटर कम है. तो स्लो ट्रेन की स्पीड फास्ट के ऊपर डिपेंडेंट है. सो लेट द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन. फास्ट ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा? x किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस कितना कवर करना है? 200 किलोमीटर. और टाइम कितना हो जाएगा? 200 अपॉन में x आ जाएगा. स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन देन कितना होगा तरन? स्लो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? x माइनस 10. वेरी गुड. डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा हमारा 200 किलोमीटर. तो स्लो ट्रेन को टाइम कितना रहेगा? 200 अपॉन x माइनस 10. डिस्टेंस सेम रहेगा 200. स्लो वाली की स्पीड है x माइनस 10. तो जिसकी वजह से इसको टाइम रहेगा 200 अपॉन x माइनस 10. लेकिन क्वेश्चन में कितना डिफरेंस गिवन है दोनों टाइम में? 1 आवर 2 आवर. 1 आवर गिवन है. अब कौन सा टाइम बड़ा इन दोनों में से? ये फास्ट ट्रेन का टाइम है, ये स्लो ट्रेन का टाइम है. हरदयाल डबलिन सेकंड टाइम क्या है? ज्यादा होगा. ऑब्वियसली वन सेकंड ज्यादा है. क्यों ज्यादा है? स्लो ट्रेन धीरे चलेगी. ट्रेन धीरे चलेगी तो टाइम लगेगा, ज्यादा लगेगा. ये टाइम बड़ा है, ये टाइम छोटा है. दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है आपको? 1 आवर गिवन है. तो इसकी जो फाइनल स्टेटमेंट बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? 200 अपॉन एक्स माइनस 10 माइनस पहले वाला टाइम क्या है? 200 अपॉन एक्स. किसी को आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा. आगे आप खुद सॉल्व कर लेंगे इसको. ठीक है, सॉल्व हो जाएगा सेम मैनर में. एलसीएम हो जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 10 की वाला इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा. ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. सेम क्वेश्चन है, देखो पैसेंजर ट्रेन वाला. सॉल्व हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन. एग्जैक्टली सेम, सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है. गुड बंच. क्वेश्चन नंबर 5. द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर वॉज 2.5 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन इन द रिटर्न जर्नी. क्या बोल रहा है? द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर कवर करना था वो 2.5 आवर्स ज्यादा था, मोर था देन द टाइम टेकन इन द रिटर्न जर्नी. इसका मतलब क्या है? जाने में टाइम ज्यादा है या वापस आने में टाइम ज्यादा है? जाने का टाइम ज्यादा है या आने का? रीड कर दे बताओ गर्व कि भाई गोइंग द उसका टाइम ज्यादा है, वापस आने का टाइम ज्यादा है. द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर वाज 2.5 मोर देन द टाइम टेकन टू रिटर्न. तो जाने का टाइम ज्यादा है, वापस आने का टाइम कम है. कितना डिफरेंस होगा? 2.5. डिस्टेंस कितना है? 150. इफ द रिटर्न, इफ ही रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ गोइंग. क्वेश्चन नंबर 5. लेट द स्पीड
while going to destination B x किलोमीटर पर आ जाने के टाइम पे स्पीड कितनी थी x थी जाने के टाइम पे डिस्टेंस कितना है 150 किलोमीटर तो टाइम कितना हो जाएगा 150 अपॉन x जब वापस आ रहा है तो कह रहा है स्पीड 10 किलोमीटर ज्यादा है डिस्टेंस सेम रहेगा तो टाइम कितना हो जाएगा 150 अपॉन में 150 अपॉन x प्लस 10 आ जाएगा जब वापस आने की स्पीड ज्यादा है तो इसका टाइम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो फर्स्ट वाला टाइम कितना हमारा 150 अपॉन x माइनस 150 अपॉन x प्लस 10 दो का डिफरेंस 2.5 2.5 जब क्या लिख लेंगे 5/2 लिख लेंगे इज दिस क्लियर ठीक है बुलीन क्लियर है बेटा दोबारा रिपीट करो जाने के स्पीड x वापस आने की x प्लस 10 जाने का टाइम 150 अपॉन x वापस आने का 150 अपॉन x प्लस 10 स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कम हो जाएगा डिफरेंस 2.5 2.5 का मतलब 5/2 नेक्स्ट क्वेश्चन जाने के टाइम हां स्पीड ज्यादा होगी स्पीड ज्यादा होगी टाइम कम हो जाएगा बेटा सिंपल मैथमेटिक्स है क्लास में लेट होते हो छुट्टी जोर से भगा लेते हैं जोर से फाइनल क्या होगा जल्दी पहुंच जाएंगे हम क्लास में तो वही चीज है अब पैदल आए हो तो टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड कम हो गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अ प्लेन लेफ्ट 40 मिनट्स लेट ड्यू टू द बैड वेदर एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1600 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैड टू इंक्रीज द स्पीड बाय 400 किलोमीटर पर आवर फ्लाइट क्या हुई 40 मिनट लेट चली है तो अपनी डेस्टिनेशन जो है 1600 किलोमीटर उस पर पहुंचने के लिए उसने अपनी स्पीड को क्या करा 400 किलोमीटर इंक्रीज कर दिया तो ओरिजिनल स्पीड निकालो लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ जेट या जो भी लिखा होगा बी एक्स किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस 1600 किलोमीटर तो टाइम कितना हो जाएगा हमारा 1600 किलोमीटर अपॉन में एक्स तो टाइम आ जाएगा अब प्लेन की स्पीड को हमने बढ़ा दिया है कितनी बढ़ा दी 400 हो जाएगा x प्लस 400 ये इसकी स्पीड आ जाएगी इसका डिस्टेंस कितना है 1600 तो अब टाइम कितना लगेगा 1600 अपॉन में x प्लस 400 तो तरनप्रीत सिंह दोनों का डिफरेंस 40 मिनट गिवन है यश तो कौन सा टाइम बड़ा है फर्स्ट वाला ऑपोजिट बात है स्पीड बढ़ा दो तो टाइम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा दिस इज 1600x माइनस 1600 अपॉन x प्लस 200 कितना गिवन है 40 मिनट्स यहां आवर्स में ले रहा हूं तो मिनट को क्या करना पड़ेगा आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसलिए 60 से डिवाइड करो इससे आवर्स में कम भी कन्वर्ट होगा Clear everyone, note करके done in the chat box. Ishwar, Hargun, Lovleen, clear है? Kavya, Aira, Tejal, Soumya, Harsh, great. Next question now. Question number 7, exactly same. An aeroplane takes 1 hour less for a journey of 1200 kilometers. If the speed is increased by 100 kilometers per hour, same question है. Pranjal, I guess you will be able to solve yourself. Next question number 8. Sir, एक quadratic formula से solve भी करवा दो. एक काम करते हैं इसी को solve कर लेते हैं. जो भी हमने 6th वाला question करा था. Pranjal, chat box में डाल दो बेटा. जो भी doubt है. Pranjal 2. यहाँ पे है अच्छा यहाँ पे एलसीएम लो
सॉल्व करो इसको, एलसीएम हो जाएगा इसका बेटा एक्स इंटू एक्स प्लस 400, 1600 इंटू एक्स प्लस 400 माइनस 1600 एक्स इज इक्वल टू 2/3, मल्टीप्लाई करो 1600 एक्स 16 4 64 4 0s माइनस 1600 एक्स, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 400 एक्स इज इक्वल टू 2/3, cross multiply 19200 is equal to twice of x square plus 400, 2 से divide करो, 8 side पे ले जाएंगे, x square plus 400 x minus 9600, अब 96 का factors बनाओ, जस्ट नोट कर लो, आंसर 800 आया है। एनीवन एल्स किसी और का? अब इनको ऐड करो तो 4 टाइम्स 0 विल रिमेन सेम आंसर है 3, ये 3856 आ रहा है, क्या ये 3856 आ रहा है? कैलकुलेशन ठीक है मुरली, क्या आंसर है मुरली? चलो प्लस में फटाफट, ये आ रहा है 4 and 6 zeros, अब x निकालो, x निकालने का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a माइनस ऑफ बी, बी कितना है 400 प्लस माइनस रूट ये 4 6 0 2 into 1 माइनस 400 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, सॉरी यहाँ पे 6 0 है तो स्क्वायर रूट में 3 0 आ जाएंगे डिवाइड बाय 2, तो यहां पे प्लस माइनस है, एक बार पॉजिटिव वैल्यू और एक बार नेगेटिव वैल्यू, तो दिस इज 1600 अपॉन टू 800 माइनस 1200, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती तो उसको हम क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे, नोट कर लो इसको, जैकेट पहन लीजिए इतने बूढ़े हो गए तो, नोट करके डन, इंक्रीज स्पीड आ जाएगी 1200, कर लिया नोट सारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखो एग्जैक्टली सेम है, अ पैसेंजर ट्रेन टेक्स 2 आवर्स लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 5, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज आल्सो सेम, 30 मिनट ट्रेन लेट जा रही है 90 किलोमीटर को कवर करने के लिए जिसकी स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर बढ़ा रहे हैं, तो फटाफट बना सकते हैं इक्वेशन इसकी, दिया जाएगा 90 अपॉन x माइनस 90 अपॉन x प्लस 15, दोनों डिफरेंस 30 मिनट है, 30 मिनट का मतलब कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, डायरेक्टली बना सकते हो, ओरिजिनल स्पीड x है, टाइम कितना लगेगा 90 अपॉन x हो जाएगा, स्पीड को 15 बढ़ा दिया x प्लस 15 हो गया तो टाइम हो जाएगा 90 अपॉन x प्लस 15, दोनों डिफरेंस कितना 30 मिनट का बन जाएगा, अगर अच्छे से सारे क्वेश्चन को कर लोगे
तो आप लोग इक्वेशंस को एक ही बार में डायरेक्टली बना लोगे रादर देन उस पूरे को लिखते रहने थे। और नेक्स्ट टर्म हमारा ऑलरेडी सब्जेक्टिव है, फर्स्ट टर्म में ऑब्जेक्टिव दिया था, स्पीड ऑलरेडी स्लो ही है, तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे स्पीड ऑटोमेटिकली तेज आ जाएगी, क्वेश्चन सेम होंगे और सिर्फ डिजिट चेंज हुई होंगी सबके अंदर। अभी हम जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन करें सब में सिर्फ डिजिट चेंज है, नथिंग एल्स। क्वेश्चन नंबर 10, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर, 5 किलोमीटर स्पीड को बढ़ा दिया तो टाइम क्या हो जाएगा, 1 आवर लेस हो जाएगा। स्पीड इसका इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगी, 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। टेंथ क्वेश्चन ये हो जाएगा ना, ओरिजिनल स्पीड एक्स है, स्पीड को मैंने 5 किलोमीटर बढ़ा दिया, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 1 आवर आ गया, बन गई इक्वेशन डायरेक्टली। हाँ बेटा नहीं, इसे मेरे ऊपर लिखना पड़ेगा ना कि लेट द यूजुअल स्पीड बी एक्स किलोमीटर पर आवर, इंक्रीज स्पीड बी एक्स प्लस 5, उसके बाद ही लिख सकते हैं। सर अगर वेलोसिटी पूछते हैं तो नेगेटिव कर सकते हैं, अरे नहीं वेलोसिटी नहीं आएगा आपको स्पीड ही आएगा, हमारे जितने भी सिलेबस में क्वेश्चन है वेलोसिटी नहीं लेगा स्पीड ही लेगा। और जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, अभी हमने पीछे भी देखा था कि एक स्पीड 800 आई थी, दूसरा क्या 12 आया, माइनस 12 था, और स्पीड को बढ़ा दी थी ना तो 800 प्लस 400 करते तो 1200 आता। आपके जितने आंसर आएंगे उसमें क्या होगा, यूजुअल आएगी और दूसरा जो नेगेटिव आ रहा होगा वो इंक्रीज स्पीड हो जाएगी उसकी, ठीक है। वैसे दोनों स्पीड पूछता नहीं, एक ही स्पीड आती है। क्वेश्चन नंबर 11, एन एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन को 1 आवर कम लग रहा है, 132 किलोमीटर, सेम क्वेश्चन हो गया, स्पीड कितनी यहाँ पे ज्यादा है हमारी, 11 किलोमीटर मोर है, तो सॉल्व हो जाएगा। एरोप्लेन वाला यहाँ पे 50 मिनट है, 12th क्वेश्चन में, 12th वाले क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन है, 50 मिनट्स है, 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5/6 आवर हो जाएगा। जो भी आपको टाइम मिनट में है तुम सबको 60 से डिवाइड करके किसमें कन्वर्ट कर लोगे, आवर्स में कन्वर्ट कर लोगे। अब आते हैं हम सबसे पहले 13 की सेम है, पहले करते हैं फर्स्ट और फिर करेंगे हम लोग 14। अब हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन के अंदर ही कि बोट अगर राइट पे जा रही है और पानी भी राइट साइड पे जा रहा है, बोट राइट पे है पानी भी राइट पे है, दोनों सेम डायरेक्शन में, उसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। ये क्या था हमारा, डाउन स्ट्रीम होता है। इसमें बोट की स्पीड एक्स होती है, इसकी स्पीड कितनी होती है वाई, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाती है एक्स प्लस वाई। और इन केस अगर बोट लेफ्ट पे जा रही है और ये राइट पे जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन को बोलते हैं, जो होता है हमारा एक्स माइनस वाई। एक्स बाय कन्वेंशनली हम लोग किसकी स्पीड लेते हैं, बोट की, और स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है वाई, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो प्लस हो जाएगी एक्स प्लस वाई, इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लो इसको, फिर फर्स्ट में 14 करें। क्वेश्चन नंबर 1, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 8। स्पीड ऑफ द बोट गिवन है, मतलब क्या गिवन है, एक्स या वाई, एक्स गिवन है, स्पीड ऑफ बोट हमें एक्स गिवन है, कह रहा 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, कितने आवर में, 5 आवर्स में। देखिए लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट आपको कितनी गिवन है, 8 किलोमीटर पर आवर गिवन है। दो केसेस है हमारे, कौन कौन से हैं, एक है अपस्ट्रीम और एक है डाउनस्ट्रीम, तो एक तरफ केस बनाओ अपस्ट्रीम का और एक तरफ डाउनस्ट्रीम का। अपस्ट्रीम में स्पीड होती है x माइनस वाई, और x कितना गिवन है, 8,
ये हो जाएगा 8 माइनस 5। डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी 8 प्लस बाय हो जाएगी। अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है 15। यहां पर डिस्टेंस कितना गिवन है 22 किलोमीटर। टाइम कितना है यहां पे 15 अपॉन 8 माइनस वाई। यहां पे टाइम कितना लगेगा 22 अपॉन 8 प्लस वाई लगेगा। मेरे को टोटल टाइम गिवन है या डिफरेंस गिवन है? टोटल टाइम गिवन है। कितना गिवन है 5 आवर्स गिवन है। तो दोनों को प्लस करके 5 के इक्वल रख दो। इज दिस क्लियर? सेम है सब कुछ, पर अब नया कॉन्सेप्ट आ गया अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। नीचे सेम ही है, प्लस कर देंगे 8 प्लस वाई। ओके ये प्लस हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लोगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि आप इजीली सॉल्व इसको कर लेंगे। तो ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। सिर्फ एक टाइप रह गई है हमारी इस क्वेश्चन के अंदर, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे।